मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है सुख समृद्धि के लिए रखें यह वर लक्ष्मी व्रत और पाएं सभी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा। वर लक्ष्मी का व्रत साल हर साल ये जो श्रावण मास में आता है और इस साल भी ये जो व्रत है 2021 में 20 अगस्त को आ रहा है। इस व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार वर लक्ष्मी व्रत श्रावण मास के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इस व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं क्योंकि आप जानकारी के विषय में जरूर आश्चर्यचकित होंगे कि कौन है वरलक्ष्मी। वरलक्ष्मी माता को माता लक्ष्मी के 8 अवतारों में से एक माना गया है, अष्टलक्ष्मी में से एक माना गया है। इनके अवतरण से जुड़ी कथा के अनुसार यह दुधिया रंग के क्षीर सागर से अवतरित हुई थी। यह माता लक्ष्मी का 8वां अवतार है। वरलक्ष्मी के व्रत रखने से अष्टलक्ष्मी व्रत के पूजन का जैसा फल मिलता है, जिन जातकों को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही उनको यह व्रत रखने की सलाह दी जाती है। इस व्रत को रखने से घर में शांति बनी रहती है। एक बात का ध्यान रखें कि इस व्रत को शादीशुदा जातकों को रखना चाहिए, कुंवारी कन्याओं के लिए या कुंवारे पुरुषों के लिए व्रत वर्जित माना गया है। यदि व्रत पूरे विधि विधान से किया जाए और विवाहित स्त्री करें तो उसके गृहस्थी जीवन में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य और अच्छे फल की अवश्य प्राप्ति होती है। समृद्धिदायक है यह व्रत। वर लक्ष्मी व्रत रखने से घर में धन रुकना शुरू हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मानसिक सत्ताम से आराम मिलता है। आज के समय में वर लक्ष्मी व्रत का बेहद विशेष महत्व है। आज के भौतिक जगत में हर कोई आर्थिक रूप से संपन्नता चाहता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके पास धन और वैभव की कमी ना हो। इसीलिए इस वर लक्ष्मी व्रत रखने से हर किसी के लाभदायक है। मित्रों इस व्रत को अगर माताएं और बहनें जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, श्रद्धा पूर्वक रखने से हर किसी के जीवन में आर्थिक संपन्नता और स्थिरता आने लगती है। बस ख्याल रखें कि खुद की संपन्नता और सामाजिक सरोकार के लिए भी आप पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखें। वर लक्ष्मी व्रत की पूजन की विधि हम बताने जा रहे हैं आपको। व्रत के दिन माता वर लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए इस व्रत के दिन महिला या पुरुष को स्वच्छता का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करना चाहिए। अपने साथ साथ इस दिन में घर में स्वच्छता स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। पूजा का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में उचित होता है, उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना उचित होता है। इसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और उनको तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ ही गणपति महाराज को भी मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान से नहलाएं। मंदिर में माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति को स्थापित करने के बाद जो अपने घर का मंदिर है जहां पर पूजन कार्य करते हैं पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ करिए। वहां स्थापित करके किसी चौकी पर कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाकर उसके बाद उनको स्थापित कर दीजिए और वहीं साथ में चावल कलश में भर करके उसकी स्थापना वहां पर कर देना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, आरती करें। पूजा के घर में अन्य लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। पूजा के बाद वर लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। हम आपको सबसे पहले आपको वर लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ाते हैं। कथा क्योंकि आपको कथा सुननी होगी, आप इस कथा से संबंधित आप कथा पहले इस ध्यान करिए। कथा को मैं आपको सामने कहने जा रहा हूं। इस व्रत से जुड़ी कथा के अनुसार आप जब ये पूजन कार्य कर लें तो ये कथा आप खोल लीजिए यूट्यूब से और उस टाइम आप इस कथा को सुन लीजिए। मगध राज्य में कुंडी नाम एक नगर हुआ करता था। इस नगर में एक स्त्री रहा करती। स्त्री चारुमती माता लक्ष्मी में बहुत आस्था रखती थी और हर रोज उसकी पूजा किया करती थी। माँ लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न रहा करती थी। एक बार चारुमती के स्वप्न में आकर माता लक्ष्मी ने उसे वर लक्ष्मी व्रत रखने को कहा। चारुमती ने इस स्वप्न में बारे में आसपास की महिलाओं को बताया और सबने इस व्रत को रखा। यह व्रत सभी महिलाओं ने श्रावण मास की पूर्णमासी से पहले आने वाले शुक्रवार को रखा। चारुमती सभी महिलाओं को पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस दिन का व्रत रखा, माता की पूजा की और कलश की स्थापना की। जब महिलाओं ने कलश की परिक्रमा करके पूजा समाप्त की तो उनके घर स्वर्ण हो गए। उनके शरीर में कई
उनके शरीर में कई तरह के रत्न जड़ित आभूषण आ गए। उनके घरों में गाय घोड़े इत्यादि आ गए। उसके बाद महिलाओं ने चारुमती का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने इस व्रत के बारे में उनको जानकारी दी थी। चारुमती के बताए इस व्रत को बाद में समस्त नगरवासियों ने रखा जिससे वह नगर सोने का बन गया। बोलो वरलक्ष्मी माता की जय। सभी को सुनने वाली माताओं और बहनों को भाइयों को माता लक्ष्मी वरलक्ष्मी माता कृपा करें। इस तरीके से इस व्रत को भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। मित्रों ये इस तरीके से आपने कथा सुनी। व्रत के दिन बातों का ध्यान विशेष तौर से रखिए। व्रत के दिन गलत विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। इस दिन किसी का दिल ना दुखाएं। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तन मन को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कम से कम लोगों से मिलें। शराब सिगरेट जैसे मादक पदार्थों का सेवन ना करें। यदि मांसाहार करते हैं तो उस दिन भी ना करें। उस दिन वाद विवाद की स्थिति से बचें क्योंकि इससे मन में गलत धारणाएं जन्म लेती हैं। किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस दिन इस्तेमाल ना करें। मित्रों इस प्रकार इस व्रत को रखने से अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मानसिक संताप दूर होता है, धन ऐश्वर्य आका घर में आगमन होता है। आपको हमारा बताया गया लेख कैसा लगा आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल वे घंटी बटन को दबाएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों एक नए विषय के साथ फिर से कुछ समय के पास साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।